गाइस, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग। आई होप आप सब सेफ हो, हेल्दी हो, अपने फैमिलीज के साथ होम क्वारंटीन खूब एंजॉय कर रहे हो। हम घर पे हैं और हमारे ब्यूटी सप्लाईज खत्म हो रहे हैं, मार्केट्स बंद हैं, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही है। और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करती हूँ, तो ये मेरे सीक्रेट्स आपको बताने वाली हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है तो भूल चुक माफ, और आई होप ये आपके लिए वर्क करे क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं आपको एक स्क्रब की रेसिपी दूंगी जो मैं खुद अपने आप घर पे बनाती हूँ। बहुत ही ईजी है और इस वक्त आप बना सकते हैं अपने घर पे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने सारी चीजें यहाँ रेडी करके रखी है, सो मैं आपको बना के दिखाऊंगी मेरा फेवरेट स्क्रब जो है शुगर बेस्ड स्क्रब। सो इस स्क्रब में हमें जरूरत पड़ेगी शुगर की, जो अक्खी चीनी होती है वो थोड़ा हार्ड स्क्रब बनेगा। अगर आपको थोड़ा माइल्ड स्क्रब बनाना है तो आप उसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। सो ये मैं कम्प्लीटली आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप प्लीज पिसी हुई चीनी यूज कीजिए। माय स्किन इज नॉर्मल तो मैं बिल्कुल नॉर्मल वाली चीनी यूज करने वाली हूँ। इसमें दूसरा जो हमें लगेगा विल बी हनी। हनी आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ ऑर्गेनिक हनी यूज करने का। सो ये जो है एक ऑर्गेनिक हनी है, आयुर्वेदिक हनी है। और आपको लगेगा ऑयल। सो मेरा फेवरेट है ये बायो ऑयल। इसमें बहुत अच्छा ऑयल है, ये विटामिन ई बहुत ज्यादा है और स्किन बहुत अच्छी फील करती है, सॉफ्ट हो जाती है। इनफैक्ट ये ऑयल से जो पिगमेंटेशन और डार्क मार्क्स भी होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। मगर ये एक स्किन केयर रूटीन जो आपको होता है, ये कमिटमेंट होता है, यू हैव टू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि एक बार स्क्रब करने से आपको वो फर्क नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्क्रब एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक। सो इट्स वेरी इजी। मेरे पास ये एक ऑयल है जो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, खत्म होने आया है। ये मोरक्कन आर्गन ऑयल है जिसमें सोना है, 24 कैरेट गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। तो जब तक ये चलेगा तब तक मैं इसको यूज करके आपको बताऊंगी। इस वक्त मेरे फेस पे बिल्कुल मेकअप नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो। इसमें आप छोटा सा कंटेनर लीजिए, इसमें चीनी डालिए, आई थिंक 1 teaspoon ऑफ शुगर इज यूजुअली इनफ। फिर इसके अंदर आपको डालना है ऑयल। मैं ये मोरक्कन वाला डालने वाली हूँ, आर्गन ऑयल। ऑयल एंड चीनी, मिक्स करूंगी मैं वुडन कुकर से। आप अंदाजन ऑयल लीजिए, मगर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको देखना है, ये जो शुगर है। तो इसको थोड़ा थिक करने के लिए, बांधने के लिए हम इसमें डालेंगे हनी। अब हनी की तो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, स्किन को अगर एक ऐसी चीज है जो ग्लो में बहुत हेल्प करता है और बहुत स्मूथ हो जाती है, नरिश हो जाती है स्किन जब आप इसको हनी लगाते हैं। मैं आपको आने वाले वक्त में फेस पैक्स भी बनाना सिखाऊंगी, बट फॉर नाउ दिस इज अ स्क्रब। सो इसमें मैंने डाला है चीनी, ऑयल और हनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने फिलहाल 1 यूज जितना बनाया है, मगर ये इतना सिंपल है कि आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं किसी कांच के जार में, अगर आपके पास बनाने का समय नहीं है तो। यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ी हो चुकी है। अब ऑल यू हैव टू डू इज हाथ में लो और फेस को इससे स्क्रब करो। सो इज एज सिंपल एज दैट। आप इसको फेस पे स्क्रब कीजिए, आई विल शो यू लिटिल बिट। हियर इट इज, फेस पे लगाया है मैंने और बस यू करके आपको स्क्रब करके मसाज करना है फेस का। मसाज कीजिए, हनी स्मेल्स रियली नाइस। और धीरे धीरे जो ये चीनी है ये घुल जाती है,
सो ये चीनी से जो स्क्रबिंग इफेक्ट होता है वो एक्सफोलिएशन होता है स्किन का. स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी स्किन हर 28 डेज पे रिन्यू होती है और बहुत डेड स्किन बिल्डअप होता है. अभी फिलहाल स्पेशली हम घर पे हैं, मे बी हमारा डेड स्किन बिल्डअप हो रहा है. तो आप हफ्ते में एक से दो बार अगर अपने स्किन को अच्छे से स्क्रब करते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ 1.5-2 months आप देखेंगे कि ये सिंपल स्क्रब से कितना ज्यादा आपको डिफरेंस पता चलेगा. तो ये जो है मैं कर रही हूँ स्क्रब आपके सामने, और क्योंकि इसमें हनी है, आप एक्चुअली इसको स्क्रब करके जब आपकी चीनी घुल जाए, जब स्क्रबिंग खत्म हो जाए, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फेस पे लगा के भी रख सकते हैं. ये बहुत ही नरिश करता है त्वचा को. सो हियर इट इज, सो वेरी सिंपल. मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी किस तरह से आपको बनाना है, बट बहुत ही ईजी है. ऑल यू नीड इज हनी, शुगर एंड ऑयल, एंड यू हैव द मोस्ट अमेजिंग नेचुरल स्क्रब रेडी. Your fingertips. So watch this video and I hope this video helps you, and give me feedback if this scrub did good to your skin or not. See you soon.